बिहार सरकार के परिवहन मंत्री श्री शीला मंडल ने अपने निजी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। मंत्री शीला मंडल ने कहा कि रमजान एक पाक महीना है। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब हमको यह सिखाती है कि क्या हम सभी एक हैं। साथ में यह भी कहा कि आपका पर्व मेरा पर्व है और मेरा पर्व आपका पर्व है। मंत्री शीला मंडल ने कहा कि 12 महीनों में से यह अफजल महीना रमजान का है। इसमें लोग रोजे रखते हैं, अपने रब को मनाने के लिए एक दूसरे को खुशी के लिए इफ्तार पार्टी में पहुंचे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ राज्य परिषद के सदस्य नसीम अहमद, डॉक्टर जबरेल, समाजसेवी दिल मोहम्मद, हीरा मुखिया इत्यादि इस दौरान उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए मधुबनी से संवाददाता नैयर आजम की रिपोर्ट। इफ्तार पार्टी जो आप अपने तरफ से रुपया पार्टी की तरफ से जो किए हैं, यहाँ क्या संदेश देना चाहते हैं इस गंगा जमुना तहजीब में? क्या इस लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके से रहना चाहिए, किस स्वभाव से रहना चाहिए, जरा बताइए। आज रमजान का बहुत पाक महीना होता है ये। सबसे पहले तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सब लोगों को। और ये पाक महीना होता है, इसमें संदेश ही देते हैं सब, ईश्वर खुदा अल्लाह सब एक हैं। और सब कहते हैं कि सब भाईचारे के साथ रहो। ये जो हम लोगों ने आज इफ्तार की पार्टी रखा है, उसमें हम लोग एक संदेश दे रहे हैं कि हम लोग सब एक हैं, ईश्वर के बनाए हुए हैं, सबका खून एक है। तो पर्व हम लोग क्यों नहीं एक तरह से मनाए, इसका ही पैगाम दे रहे कि सब हम लोग जो फुलप्रास के जितने जनता है, सब हिंदू मुस्लिम क्या होता है, सब तो हम लोग आपस के सब, ये तो भारत का कल्चर ही है कि यहाँ सभी वर्णों का, सभी धर्मों के लोग का ये इतने प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। इसी का संदेश है कि बिहार में, भारत में इस तरह का पैगाम सब जगह लोग भाईचारे के साथ रहे और आगे बढ़ते रहे। तो इसी समाज में मैडम कहीं ना कहीं कुछ दुर्व्यवहार के लोग रहते हैं जो एक दूसरे को भी एक दूसरे के बीच में गलत संदेश फैलाकर एक दूसरे को उलझाना चाहता है और धर्म के आड़ में उसको भटकाना चाहता है, उसको क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, जब आप जानते हैं, आप भी इतिहास पढ़े, भूगोल पर जो भी पढ़े हैं आप, ये तो आदत होता है, कुछ गड़बड़ करने वाले लोग ही होते हैं समाज में, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो सभी जगह है गड़बड़ करने वाला लोग। जितने लोग हम लोग सही लोग हैं, अगर एक से आदमी पैगंबर तो अकेले ना पूरे दुनिया में आज सब जगह उनके आगे बढ़े और सब लोग अनुयायी हैं हम लोग, तो कोई जल जो अच्छे एक आदमी भी अच्छे हो तो उससे बहुत हजारों हजारों आदमी उससे होते, तो कुछ गड़बड़ करने वाले लोग उसके बाद पे। धन्यवाद। मैम, एक क्वेश्चन क्राइम पे, अभी देखते हैं मधुबनी जिला में सबसे ज्यादा क्राइम का रिपोर्ट ग्राफ जो है बढ़ा हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आए दिन आप लोग जान रहे हैं कि इस पर मुख्यमंत्री जी ने आज भी एक रिपोर्ट आया है, पेपर पढ़े होंगे, तो सारे पदाधिकारियों को पूरा हिदायत दिया गया है कि रात में भी आप लोग चेक करिए कि कहाँ क्या हो रहा है, सबका रिपोर्ट वो खुद लेते हैं टाइम टू टाइम। देखिए, बैठक भी होता है, इसके लिए जाँच भी हो रहा है, जो लोग ऐसे मिलते हैं तो कोई बक्से नहीं जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि न्याय के साथ विकास होगा, तो वो उस तरह की बात जो बोलते हैं वो करते हैं। समाज में ऐसे लोग थोड़े हैं कि आप क्राइम करके लोग भाग रहे तो पकड़ा रहा है। एक मिनट मैम, आपने आज इफ्तारी की दिया है दावत, कुछ लोग इसमें